नमस्कार जी, वेलकम टू आवर चैनल। ये जो कोट कॉलर है ये सीखते हैं। सबसे पहले मैंने ये पेस्टिंग लेके स्क्वेयर और कपड़े पे चिपका ली है। बुकरम ने ये पेस्टिंग है चिपकाने वाली है, तो इसकी लगभग लंबाई तो 9 इंच है और चौड़ाई इसकी 8.5 है। और इसको मैंने कपड़े पे प्रेस से चिपका लिया है। अब साइडों का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके और मैं फोल्ड कर दूंगी। और इसको इसके ऊपर से मैं बड़े पैर की एक सिलाई लगा लूंगी, ऐसे फोल्ड करके पेस्टिंग के ऊपर से एक सिलाई मैं लगा लूंगी। नीचे से भी फोल्ड। और यहां से भी फोल्ड। अब इसके बाद मैं इसका सेंटर पॉइंट निकाल लूंगी। बीच का बिल्कुल निशान लगा लूंगी। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट निकल आया है गले का। उसके बाद मैं उसके थोड़ी सी इस तरफ से सेंटर से बिल्कुल एक पैर की सिलाई के जितना एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगी और इतनी ही दूरी पे एक लाइन मैं दूसरी साइड ड्रॉ कर लूंगी। बीच में एक पैर का ही गैप रहे, आधा इंच भी ज़्यादा हो जाता है, सिर्फ एक पैर का गैप रहे तो मैं एक स्केल्स की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ, क्योंकि मेरी सिलाई इसी पे आएगी, इसी निशान पे, तो गैप सिर्फ इतना ही रहे। अब इसके बाद मैं कमीज के जो मेरी शर्ट है उसका भी मैं सेंटर पॉइंट निकाल लूंगी। और एक कट लगा लूंगी। अब मैं दोनों के सेंटर पॉइंट इकट्ठा करके गले का भी और मैंने जो पेस्टिंग तैयार की है उसका भी ऐसे सेट करके अब मेरी सिलाई यहाँ से आएगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे। अब मुझे गले की चौड़ाई कितनी रखनी है और लंबाई कितनी रखनी है पहले वो निशान लगा लेती हूँ। तो लगभग 3 इंच मैं गला चौड़ा रखूँगी, तो 3 इंच पे एक निशान लगा लूँगी। उसके बाद मैं इसको इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लूँगी। अब जहाँ पे मेरा मैंने कट लगाया था और कितना लंबा रखना है वो निशान भी मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ से चौड़ाई से लगभग 7.5 इंच या 8 इंच लंबा मैं रखूँगी, क्योंकि बैक गला मेरा छोटा रहेगा इसमें, तो 8 इंच रखूँगी ताकि गले सिर में आ जाए ये गला। तो जो मेरी चौड़ाई का निशान है वहाँ से मैं चलाना शुरू करूँगी सिलाई, दो पैर आगे इस तरह से, फिर मैं सुई को नीचे करके और घुमा लेती हूँ और फिर इस तरह से निशान पे बिल्कुल लाके रोक के और गले को अच्छे से सेट करके अब इस लाइन पे मैं सिलाई चलाऊँगी। ऐसे फिर सुई को नीचे की साइड करके मैं घुमा लेती हूँ और फिर से मैं घुमा के अब इसको मैं ऊपर की साइड ले आऊंगी।
बहुत ही सिंपल है, और जितना ज़्यादा सिंपल है उतना सुंदर भी लगता है। और जहाँ पे मेरी चौड़ाई का था वहाँ पे मैं इसको बाहर की साइड निकाल दूँगी, जहाँ पे चौड़ाई का कट था। अब मैं सेंटर से इसको कट कर दूँगी ताकि इसको पलटा जाए। ध्यान से एक कट इस कॉर्नर पे लगाऊंगी, एक कट इस कॉर्नर पे लगाऊंगी। अब मैं इसको पलट दूंगी। इस तरह से कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा कपड़ा ना हो तो एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर देते हैं। अब इसको पलट देंगे नोक निकाल के इस तरह से, दोनों साइड को ये ऐसे हो जाएगा। इस तरह से अब मैं एक सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पे लगा लूंगी, बिल्कुल किनारे पे ये सिलाई रहे, कपड़ा नीचे वाला ऊपर की तरफ ना दिखने पाए और ऊपर वाला नीचे की तरफ ना दिखने पाए। तो अच्छे से कपड़े को सेट करके बिल्कुल कोई भी कपड़ा ऊपर का ऊपर की साइड ही रहे, नीचे का नीचे की साइड ही रहे। सफाई से फिनिशिंग के साथ ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। कपड़े को सेट करते रहें और इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये मेरा गला तैयार हो गया। अब मैं इसको पीछे वाले कंधा इसका ये इस तरह से पलटा जाएगा, इस तरह से दोनों साइडों से। पहले मैं इसका कंधा जोड़ देती हूँ, कंधा जोड़ के मैं दिखाती हूँ कैसे कंधा जोड़ा जाएगा इसका। ये जो एक्स्ट्रा हमने ऊपर की तरफ ये निकला हुआ है ना, यहाँ तक सिलाई लगानी है। ये दिख रहा है ना, सिलाई यहाँ तक लगानी है दो तीन बार बिल्कुल कॉर्नर पे। ये दिख रहा होगा, मैंने जूम करके दिखा रखा है। तो इसको अच्छे से सेट करके और सिलाई बिल्कुल यहाँ कॉर्नर तक यहाँ पे लगानी है। इससे क्या होगा, ये जो ऐसे हो जाएगा ना, नीचे से दिखेगा ना, बाहर की साइड से दिखेगा ना, पीछे वाले की साइड से दिखेगा। और इस तरह से ये बनके तैयार है। आप इस पे बटन भी नीचे लगा सकते हैं।